26 जनवरी को बुढ़वा मंगल पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर क्षेत्र में दो दिन यातायात मार्ग को परिवर्तित किया गया है। 25 जनवरी की रात 10 बजे से 27 की रात 11 बजे तक मंदिर की ओर वाहन नहीं जाएंगे। इस संबंध में SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि दुर्गाबाड़ी तिराहा से गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग से उत्तर गोरखनाथ मंदिर की ओर व तरंग ओवरब्रिज से उत्तर पश्चिम हुमायूंपुर चौराहा होकर गोरखनाथ मंदिर की तरफ, रामलीला मैदान से सिंधी गली से गोरखनाथ मंदिर की तरफ, JP हॉस्पिटल से ओवरब्रिज होकर गोरखनाथ मंदिर की तरफ, रसूलपुर तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ, दशहरी बाग तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ, कौड़ियावा मोड़ से गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ थाना की तरफ और जाहिदाबाद तिराहा से गोरखनाथ मंदिर की तरफ से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। गोरखपुर महानगर क्षेत्र की ओर से महाराजगंज पिपराइच रोड की तरफ की गाड़ियां CS चौराहा मोहद्देपुर चार फाटक ओवरब्रिज होते हुए जेल बाईपास पादरी बाजार चौराहा महाराजगंज की ओर जाएंगी। इस दौरान लखनऊ व वाराणसी मार्ग से आने वाले बड़े वाहन, अति महत्वपूर्ण बस व ट्रैक्टर ट्रॉली आदि जो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, उनका पार्किंग स्थल भगवती इंटर कॉलेज मैदान, देवरिया कुशीनगर व वाराणसी मार्ग एवं यातायात कार्यालय की तरफ से जाने वाले दो व चार पहिया वाहनों का पार्किंग स्थल RPF ग्राउंड, सोनाली व महाराजगंज से आने वाले बस ट्रैक्टर ट्रॉली को पार्किंग स्थल स्प्रिंगर मोड़ रोड के दोनों तरफ, कुशीनगर देवरिया की तरफ से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली एवं बस मोहद्दीपुर पादरी खजांची से बरगदवा से आकर स्प्रिंगर मोड़ रोड के दोनों तरफ पार्क होंगे। नगर क्षेत्र से गोरखनाथ मंदिर जाने वाले दो पहिया वाहनों का पार्किंग स्थल रामलीला मैदान अंधियारी बाग, बरगदवा की तरफ से गोरखनाथ मंदिर आने वाले चार व दो पहिया वाहनों का पार्किंग स्थल कुष्ठ आश्रम, बरगदवा की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की तरफ आने वाले दो व चार पहिया वाहनों का पार्किंग स्थल औद्योगिक संस्थान मोड़ रोड के दोनों साइड, साथ ही अधिकारी व कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग मेवालाल गुरुकुल विद्यालय पार्क में होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, कल बड़ा मंगल है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज 8 बजे से शाम से रूट का डायवर्जन किया जा रहा है। ये डायवर्जन इस प्रकार से किया गया है, बरगदवा तिराहे से बरगदवा चौकी के पास जो भी वाहन सोनौली महाराजगंज फरेंदा साइड से पीपीगंज साइड से शहर को आता है, जो रेगुलर वाहन है जिसे बाहर जाना है, उसे हम डाइवर्ट करेंगे खजांची चौराहा होते हुए, मोहद्दीपुर होते हुए देवरिया या कुशीनगर या आगे लखनऊ साइड में फिर वो TP नगर होता हुआ चला जाएगा। इसी तरह से जो श्रद्धालुओं के वाहन आएंगे इस रास्ते से, वो बरगदवा चौकी से आगे आएंगे। अगर वो भारी वाहन है, बस है, ट्रैक्टर ट्राली है, तो उसे स्प्रिंगर मोड़ में अंदर खड़ा किया जाएगा सड़क के दोनों तरफ। अगर हल्का फोर व्हीकल है तो उसे कुष्ठ आश्रम जो अस्पताल है वहाँ पर पार्किंग बनाई गई, वहाँ पर पार्किंग होगा। उसके आगे कोई भी फोर व्हीलर टू व्हीलर नहीं जाएंगे। जो ड्यूटी में भाग लेने वाले अधिकारी कर्मचारी गण हैं उनकी पार्किंग मंदिर से 100 मीटर आगे मेवालाल गुरुकुल आश्रम है वहाँ पर की गई है, वो वहाँ पर वाहन खड़ा करेंगे। इसी तरह से जो धर्मशाला की तरफ वाहन आते हैं, इधर से जो श्रद्धालु जाते हैं, श्रद्धालुओं के वाहन जो फोर व्हीलर हल्के हैं वो आगे जाएंगे और RPF ग्राउंड है वहाँ पर उनके वाहनों को पार्क किया जाएगा। RPF ग्राउंड के आगे कोई भी फोर व्हीलर टू व्हीलर वाहन नहीं जाएगा। इसी तरह से जो वाहन रामलीला मैदान साइड से मंदिर की तरफ जाते हैं उनको रामलीला मैदान पर पार्क किया जाएगा, वो फोर व्हीलर हैं टू व्हीलर हैं उनको वहीं पर पार्क किया जाएगा। इसी तरह से जो वाहन सूरज कुंड की तरफ से आते हैं वहाँ पर आदर्श विद्यालय वहाँ पर उनकी पार्किंग की जाएगी। तो ऑटो जो धर्मशाला से मंदिर की तरफ जाते हैं उनका डायवर्जन रहेगा, वो असुरन से होते हुए और खजांची होकर के फिर चाहे वो मेडिकल की तरफ जाएं और चाहे बरगदवा की तरफ जाएं। इसी तरह से बरगदवा साइड से भी कोई ऑटो अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी ऑटो अंदर नहीं आएगा। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, केवल श्रद्धालु आएंगे क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी संख्या है। रोड पर लाइन लगाई जाती है, दो प्रवेश द्वार हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को जो मंदिर पर दर्शन के लिए आते हैं किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी, ये डायवर्जन तब तक चलेगा जब तक सामान्य भीड़ ना हो जाए और रूटीन में ये ना आ जाए।